हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे भाई हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्यों आज रो रही हूँ। हमें हमारे बिट्टू की बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। काश किसी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए कि उसके बगैर रह न पाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची कोई छीन के लेके चला गया। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। हेलो भाई, वो पापा के पास से जाएंगे ही, उनकी मम्मी पापा हैं, मैं तो बुआ हूँ। लेकिन पता नहीं कि मुझसे मतलब बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मैंने घर छोड़ के दूसरी के घर चली गई थी कि नहीं याद करूंगी क्योंकि वो रोएंगी। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम उसे। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई आए नहीं। जैसे कि इधर भी देख रहे हैं कि से बिट्टू दिख रही है, इधर देख रहे हैं बिट्टू दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी आए तो बिट्टू को ले लें, कहीं से भी आए बिट्टू को ले लें। अब यही सोच रहे कहाँ से बेवजह को आई, आई नहीं होती तो इतना दिल भी नहीं लगा होता। लेकिन नहीं, मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं नहीं याद करके रोऊंगी। क्योंकि मैं जितना रोऊंगी उतना वो रोएंगी। बोलते ना कि किसी को ज़्यादा याद ना करो, नहीं तो बच्ची है वो तो बता सकती नहीं। नहीं मुझे बहुत याद आ रही, जैसे मैंने मुझे फीलिंग आई, मैंने रो ली, मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे बहुत याद आ रहा है। लेकिन वो बच्चे छोटी से बस रोएंगी चिल्लाएंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए बिट्टू, मेरी वीडियो आप देख लेना, बाय बाय। तो हाय बिट्टू, मैं नहीं रोऊंगी, आप भी मत रोना, ओके? रोना नहीं, खेलना, अच्छे से दूध पीना। कैसे बोलो कि नहीं रोऊंगी, पता नहीं क्यों याद आ रही। तो आंखों में आंसू आ जा रहा है। मैं कितना भी कोशिश करूं नहीं याद करूंगी, नहीं याद करूंगी। लेकिन इधर उधर देख रही हूँ, ऐसा चारों तरफ बिट्टू ही बिट्टू दिख रहा है। बिट्टू एक चीज़ हम सीख मिले, किसी से बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि बिट्टू को ना याद करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोएंगे। लेकिन मुझे उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत याद आ रही है।